हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड गार्लिक। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल चीज़ी सा टेस्ट इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 15-17 लहसुन के पीसेस, गार्लिक पीसेस, जिसे हम इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बिल्कुल नाइफ़ की हेल्प से बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बटर, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसे मिक्स करने के बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसे मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स। इसे वापस से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा गार्लिक का जो ये पेस्ट है रेडी हो चुका है। इसे साइड में रखते हैं और अब हम ब्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 व्हाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और जो हमने गार्लिक का जो पेस्ट बनाकर रखा है वो इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, इस तरह से इस पर हम स्प्रेड कर देंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर इसे मैंने अप्लाई कर दिया है और ऊपर से हम ढेर सारा चीज़ इस पर स्प्रेड कर देंगे। आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हो। और दूसरा जो है ब्रेड का स्लाइस चीज़ ऐड करने के बाद हम इस पर रख देंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। अब ये सिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है और इसे अब सेक लेंगे हम। पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक कि हम क्या करेंगे, जो हमने गार्लिक का जो पेस्ट बना कर रखा था, बटर वगैरह मिला के, एक पर वो अप्लाई करेंगे और दूसरे पर सादा बटर। आप चाहो तो सिर्फ सादे बटर में भी इसे सेक सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से कर रही हूँ। एक पर मैंने सादा बटर लगाया है और एक पर जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, इसे हमने ऐसे ही पैन पर रख देना है और ऊपर की साइड भी अप्लाई कर देना है, ताकि टर्न करने से पहले दोनों जानब अच्छे से बटर इस पर लग जाए। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक कर 2 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है। इसे हम अब देख लेते हैं एक साइड से अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से सीख चुका है। इसे दूसरी जानब टर्न करने के बाद हम वापस इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए 2 मिनट यहाँ भी हो चुका है और ये दूसरी जानब भी बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के जो 2 है वो सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ और बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। इसे कट करके देख लेते हैं कैसा बना है ये। बिल्कुल चीज़ी सा लगता है और गार्लिक का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें। तो आप इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना, और कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।